एवरी वन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल फैशन डिजाइन विद प्रद्युत आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी फैशन रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे टू वीडियो आई एम डिस्कसिंग फैशन डिजाइनिंग फील्ड में जो एडवांटेज है एज एक फैशन डिजाइनर का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है फैशन डिजाइनिंग में मैं ऐसे आठ एडवांटेज के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सो so, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो में मैं फैशन डिजाइनिंग करने के लिए जो सुविधा है वो सबके बारे में डिस्कस करने वाला हो इन हिंदी सो so, वीडियो को पूरी तरीके से देखना डोंट स्किप द वीडियो तो चलते हैं वीडियो की तरफ वैसे तो फैशन डिजाइनिंग फील्ड में बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स होते हैं लाइक फैशन डिज़ाइनर टेक्सटाइल डिज़ाइनर ज्वेलर डिज़ाइनर फुटवेयर डिज़ाइनर ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत सारे डिज़ाइनर्स ऑप्शन है और भी काफ़ी सारे फैशन डिज़ाइनर्स है जो एज ए इलुस्टेशन काम करते हैं फैशन फ्रीलेंसर होकर काम करते हैं तो बहुत सारे जॉब ऑप्शनस है इस फील्ड में आपका अगर आप जाओगे एज ए फैशन डिज़ाइनिंग आपका माइंड है आप इस फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड को लेकर बहुत ही सीरियस हो so, सो so इस फील्ड में आने के बाद आपको एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आप किसी भी जॉब करने जाओ फैशन डिज़ाइनिंग रिलेटेड आपको आपके माइंड में एक अलग सा फ्रेश आ, फ्रेश जरिया दिखेगा आपके अंदर बिकॉज़ फ़ैशन डिज़ाइनिंग में आप आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो फैशन डिजाइनिंग रिलेटेड किसी भी जॉब अगर करो तो आपके माइंड इंटरेस्टेड वो जॉब होगा सो so, एक जॉब सेटिस्फेक्शन होगा जैसे कि हर किसी में जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उसको डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन में अच्छा लगता है जो टीचर बनना चाहते हैं उसको टीचिंग प्रोफेशन में अच्छा लगता है वैसे ही फ़ैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में जिसका माइंड में एज ए डिज़ाइनर वो बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सा जॉब सेटिसफेक्शन होगा जो फैशन डिज़ाइनर बन जाएंगे दूसरा है क्रिएटिव सेटिसफेक्शन वैसे तो फैशन डिज़ाइनिंग में जितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग को अपने करियर एज ए करियर चूज़ करते हैं वो बहुत ही क्रिएटिव पर्सनस होता है बिकॉज़ फ़ैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में अगर किसी चीज़ का कंपटीशन है वो है क्रिएटिविटी का तो क्रिएटिविटी का एक अलग सा सेटिस्फैक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा कि आपके माइंड में जो आता है जैसे कि आपके माइंड में कोई डिज़ाइनिंग आता है वो आप वास्तव में एक वास्तविक रूप देते हो रियलिटी में उनको इम्प्रूव करते हो सो so ये जो सेटिस्फैक्शन है ना क्रिएटिविटी का तो आपको फैशन डिजाइनिंग में भरपूर मिलेगा बिकॉज फैशन डिज़ाइनिंग है ही क्रिएटिव प्रोफेशन जहाँ पर आपके क्रिएटिव दिमाग से आप कुछ भी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखा सकते हो क्रिएटिविटी कर सकते हो डिज़ाइनिंग में यू विल फॉलोइंग योर पैशन अगर आपके दिमाग में एज ए फैशन डिजाइनर बनने का मन है अगर आप शुरू से ही चाहते हो एज ए फैशन डिजाइनर अपने करियर में आपको देखना चाहते हो सो फैशन डिजाइनिंग बहुत ही अच्छा फील्ड में आपके लिए और आपके खुद के पैशन को चूज करने के लिए बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है बिकॉज फैशन डिजाइनिंग उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो अपने करियर को लेकर फैशन डिजाइनिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो सो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है आप लोगों के लिए स्टार्ट योर ओन बिजनेस वैसे तो फैशन डिजाइन डिजाइनिंग एज ए कोर्स करने के बाद डिग्री डिप्लोमा मास्टर्स कोर्स करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स एज ए जॉब करने लग जाते हैं वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ख्याल आता है वो खुद का बुटीक ओपन करे खुद का ब्रांड ओपन करे तो वही स्टूडेंट्स के लिए वही लोगों के लिए फैशन डिजाइनिंग बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है जो खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं एज ए डिज़ाइनिंग में सो so, इसमें आपका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता एज अ डिजाइनिंग कोर्स करने के बाद डिजाइनिंग कोर्स आप लोगों को ऑब्वियसली करना चाहिए मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगा बिकॉज फैशन डिजाइनिंग फील्ड में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा फैशन डिजाइनिंग के बारे में बहुत नॉलेजेबल चीज़ आपको जानने को मिलेगा सो एज ए डिजाइनिंग कोर्स आप कर लिए उसके बाद अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत आप लोगों को फ़ायदा होगा अगर आप किसी जॉब में अगर आप जॉब करते हो और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद आप खुद का खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो अगर आप चाहो तो एज ए कोर्स करने के बाद भी आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आज इंडिया में जितने सारे डिज़ाइनर्स हैं जितने सारे बड़े डिज़ाइनर्स है वो सभी अपने खुद के बिज़नेस स्टार्ट करके आज इतना दूर आए हैं तो बहुत ही फेमस डिज़ाइनर्स है लाइक सब्बत साची रितु अग्रवाल मनीष मल्होत्रा ये सभी अपने स्टार्टअप एज ए बिजनेस से कर चुके हैं सो फैशन डिजाइनिंग फील्ड में आपके ऐसे कोई आ, अलग सा रूल्स नहीं होता कि आपको जॉब ही करना होगा आपके पास बिजनेस करने का बहुत सारे ऑप्शन है ग्रेट इनकम फैशन डिजाइनिंग फील्ड में इनकम एक बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट जब डिज़ाइनिंग कोर्स को चूज करते हैं उन लोगों के दिमाग में ख्याल आता है कि अगर मैं फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में जाऊँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन इनकम मिलेगा क्या नहीं सबसे पहले तो एक चीज़ बता देता हूँ कि रियलिटी में इनकम एक आ, मतलब एक दम पर इनकम इतना लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज़ फ़ैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में बहुत ही हार्ड वर्किंग फील्ड है जहाँ पर आपका मेहनत बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है सो एक चीज़ तो फैशन इंडस्ट्री में ज़रूर होता है वो है आपके टैलेंट बेसिक आपको इनकम पे किया जाएगा आपका आपके अंदर अगर टैलेंट है आपको ज़रूर फ़ैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में बहुत अच्छा इनकम पे किया जाएगा और फ़ैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में आप आग बहुत आगे तक जा सकोगे बिकॉज़ फैशन डिजाइनिंग फील्ड में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद हर एक डिज़ाइनर्स हर एक जो जॉब एम्प्लॉयर्स है वो काफ़ी अच्छा कमाते हैं और अगर आप फ़ॉरन में जाओगे तो बात ही छोड़ो वहाँ पर तो इनकम बहुत ही ज़्यादा है और हमारे इंडिया में आज के ज़माने में फैशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है लाइक like, बॉलीवुड को ही देख लो बॉलीवुड के लिए फैशन इंडस्ट्री दिन बनते दिन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है मीटिंग ए लॉट ऑफ न्यू पीपल यस फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड है जिस फील्ड में आपको दिन बनते दिन बहुत सारे न्यू लोगों के साथ बात करना होगा बहुत सारे नए नए लोगों के साथ बात करना होता है और बहुत सारे टीम वर्किंग काम भी आपको करना पड़ता है तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग फील्ड में आपको बहुत ही रंगीन फील्ड है जहाँ पर आपको काफ़ी सारे कस्टमर्स के साथ बात करना होता है उनके डिज़ाइनिंग को लेकर बात करना होता है काफ़ी सारे कंपनीज के एम्प्लॉयर एज एम्प्लॉयर ज़रिए आपको बात करना होता है तो काफ़ी सारे नए नए लोगों के साथ आप लोगों को इस फील्ड में आपको बात करना होता है जहाँ से आपको आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और फ़ैशन डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ना है तो नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने सारे लोगों के साथ आपका बातचीत होगा जितने सारे लोगों के साथ आपका नेटवर्किंग होगा वैसा ही आपका करियर ग्रोथ करियर ग्रोथ आगे बढ़ता जाएगा बिकॉज अगर आपके नेटवर्किंग कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो फैशन इंडस्ट्री में आपका एक अलग सा ही पोजिशन होगा यू विल गेट टू ट्रैवल ए लॉट एंड सी द वर्ल्ड सो बिकॉज फैशन डिज़ाइनिंग एक क्रिएटिव प्रोफेशन तो है मैं हर एक पॉइंट में आप लोगों को बता रहा हूँ वैसे ही फ़ैशन डिज़ाइनिंग में डिज़ाइनर्स को ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है बिकॉज़ एक जगह से दूसरे जगह पर आप अगर आप एक एडवेंचर इंसान हो तो आपके लिए फ़ैशन डिज़ाइनिंग बहुत ही क्रिएटिव होगा बहुत ही एक खास होने वाला है बिकॉज़ फ़ैशन डिज़ाइनिंग में एज ए जॉब के ज़रिए आपको ट्रैवल करना होता है चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो वैसे ही कॉलेजेस में पढ़ते वक्त आपको बहुत सारे ट्रिप दिया जाता है काफ़ी सारे समर ट्रिप होता है विंटर ट्रिप होता है एंड कॉलेज में काफी सारे मार्केट विजिट करना होता है जॉब करने के जरिए आपको मार्केट विजिट करना होता है काफी सारे जगह पर आपको विजिट करना होता है तो वैसे ही आपको बहुत सारे ट्रैवलिंग के अंदर आपका एक काम होगा काफी एक वक्त मतलब ऑफिस के चार दीवार में बैठ कर काम करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है काफ़ी सारे टाइम आपको बाहर भी जाना होता है फॉर्मल एडुकेशन फैशन डिजाइनिंग फील्ड में एडुकेशन के बारे में अगर बोला जाए तो ऑब्वियसली एक मिनिमम एडुकेशन तो जरूरी है

ज्यादा मैटर नहीं करता बिकॉज यहाँ पर आपका टैलेंट देखा जाता है आपका टैलेंट बेसिक आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो वैसे ही एडुकेशन में आप कितना अच्छा हो आपका पढ़ाई में कितने अच्छे हो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में यह भी ख्याल आता है मैंने सुना है कि इंग्लिश कितना ज़्यादा उनको जरूरी है इंग्लिश पावर स्पीकिंग पावर उनको कितना ज्यादा जरूरी है तो एक बात मैं बता देता हूँ इंग्लिश उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करता जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट करता है इस फील्ड को लेकर सो कॉन्फिडेंस करो वैसे ही सब कुछ हो जाता है। एक दिन में कुछ नहीं होता आप प्रैक्टिस करते रहो लास्ट एंड नॉट द लिस्ट द ग्लैमर वैसे ही आप जानते हो कि फैशन डिजाइनिंग फैशन फील्ड एक बहुत ही ग्लैमर प्रोफेशन है ग्लैमर के बाद ख्याल आते ही सबसे पहले आ जाता है फिल्म इंडस्ट्री टेलीविजन इंडस्ट्री फोटोशूट काफ़ी सारी चीज़ दिमाग में ख्याल आता है फिल्म में अगर वर्ल्ड के बारे में हाई पोजीशन के बारे में, बारे में बताया जाए तो सबसे पहले आता है हॉलीवुड अगर इंडिया के बारे में बोला जाए तो बॉलीवुड तो हम लोग अगर इंडिया से हैं तो हम बॉलीवुड के बारे में बात करते हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इंडिया में बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री होते हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री मराठी फिल्म इंडस्ट्री तो फिल्म इंडस्ट्री में फैशन डिज़ाइनिंग के बिना फिल्म इंडस्ट्री अधूरा है चाहे कुछ भी हो फिल्म इंडस्ट्री हो आपके रेगुलर लाइफ हो देखो आप जो कपड़े अभी पहने हो वो भी फैशन के थ्रू बना है अभी मैं जो टी शर्ट पहना हूँ ये टी शर्ट का जो कटिंग है टी शर्ट की जो डिज़ाइनिंग है एज ए कहीं ना कहीं फैशन डिजाइनर बना चुके हैं सबसे पहले तो हमारे रेगुलर लाइफ में फ़ैशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कपड़े के बिना इंसान तो बिल्कुल अधूरा है तो इसीलिए ग्लैमर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैशन इंडस्ट्री में जैसे ही बॉलीवुड में आपका अगर एक फ्रेम का एक नाम का बहुत ज़्यादा शौक है करियर के, के साथ साथ तो फैशन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए अगर आपका शौक है कि बॉलीवुड के जो बिगेस्ट सेलिब्रिटीज़ है इंडिया का जो बिगेस्ट सेलिब्रिटीज़ है आपके पहना आपके डिज़ाइनिंग किया हुआ पोशाक वो पहने और रैम्प शो जो होता है रैम्प शो में जो रैम्प वर्क होता है मॉडल आपके पहने हुए पोशाक को रैम्प वर्क करे तो फैशन बहुत एक अच्छा प्रोफेशन है आपके लिए जहाँ पर आपको सेलिब्रिटीज़ नाम ग्लैमर सब कुछ मिलेगा आज के वीडियो में मैंने बता दिया फैशन डिजाइनिंग के जो एडवांटेज के बारे में मैंने आर्ट एडवांटेज के बारे में बोला था बट मैंने नाइंथ एडवांटेज के बारे में आप लोगों को बताया लास्ट में जो द ग्लैमर के बारे में था वो एक टिप्स था आप लोगों के लिए सो so गायज आज के वीडियो में इतना ही था आप अगर मेरे साथ डिरेक्टली बात करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम आई पर मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आप में से कोई भी इंस्टाग्राम आई नहीं यूज करता तो आप मुझे फेसबुक पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो मैंने दोनों आई का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर आप चाहो तो मेरे यूट्यूब पर बहुत सारे फैशन रिलेटेड वीडियो है उनको विजिट कर सकते हो आई थिंक आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होगा उस वीडियो से तो गाइज आज के वीडियो में मैंने बता दिया फैशन डिजाइनिंग के एडवांटेज आड़, के बारे में पिछले काफ़ी सारे वीडियो में मैंने काफी सारे चीज के ऊपर डिस्कस किया अगले दिन मैं फैशन डिजाइनिंग के डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ इसीलिए चैनल के साथ बने रहिए फिर मिलते अगले कोई रिलेटेड वीडियो में तब तक के लिए स्टे आप स्टे सेफ स्माइलिंग